हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 31। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके सो पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है देर आर 12 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, हु लिव इन अ बिल्डिंग विथ 5 फ्लोर नंबर्ड 1 to 5। ओके सो उसने क्या बोला कि 12 स्टूडेंट्स हैं, ओके 12 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, जिसमें 5 फ्लोर्स हैं, ओके, एंड देर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, ओके, और हर एक फ्लोर में 3 फ्लैट्स हैं, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 3, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट है तो 1, 2 एंड 3। उसके बाद इमीडिएट राइट ऑफ फ्लैट 2 मींस फ्लैट 3। अच्छा, इमीडिएट राइट ऑफ फ्लैट 2 मतलब क्या 3 होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैट अबव फ्लैट मींस सेम फ्लैट नंबर ऑफ अबव फ्लोर, ओके, मतलब क्या, जैसे कि आपके पास फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट और थर्ड फ्लैट, ठीक है, ये क्या है 5 फ्लोर्स पर है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि फ्लैट के ऊपर फ्लैट है, इसका मतलब क्या है, वो या तो इसी की बात कर रहा होगा फ्लैट नंबर 1, मतलब इस कॉलम की बात कर रहा होगा, या फिर वो इस कॉलम की बात कर रहा होगा, या फिर वो इस कॉलम की बात कर रहा होगा, ठीक है, उसने यहाँ पर हमें ये चीज़ समझाई। उसके बाद देर आर 3 फ्लैट्स एम्प्टी इन दिस बिल्डिंग, ओके सो देखिए आपके पास अगर 5 फ्लोर्स हैं और 3 फ्लैट है सब में, मतलब टोटल फ्लैट्स कितने हुए 15 हुए, ठीक है, टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने 12 हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके 3 क्या होंगे फ्लैट्स वो वैकेंट होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। उसके बाद देयर कैन बी ओनली 1 फ्लैट एम्प्टी ऑन एनी फ्लोर, ओके, किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट एम्प्टी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये एम्प्टी हो और इसी फ्लोर पर ये भी एम्प्टी हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ऑल्सो सेम फ्लैट नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी ऑन एनी ऑफ द फ्लोर, अच्छा, और उसने बोला कि सेम फ्लैट नंबर भी कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, मतलब कि अगर इसमें आपके पास जैसे कि 5th फ्लोर पर फर्स्ट फ्लैट खाली हो गया, तो ऐसा अब नहीं होगा कि यहाँ पर आपका 4th खाली हो जाए, 3rd खाली हो जाए, 2nd खाली हो जाए या फिर 1st खाली हो जाए, मतलब इसमें तो आपके पास एक फ्लैट जो खाली होना था वो हो गया, अब आपके पास यहाँ पर इधर हो सकता है फ्लैट खाली, इधर हो सकता है फ्लैट खाली, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में है ना। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है, दे ऑल हैव गॉट डिफरेंट मार्क्स इन क्लास टेस्ट, ओके, इन सब के अलग अलग मार्क्स आए, मतलब क्या 12 आपके पास मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर, और इन सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फाइन। सो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है पजल के बारे में। इसके बाद उसने यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर आप फ्लोरिंग कर लीजिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड देन यू हैव 3 फ्लैट्स, तो 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। अब कंडीशंस लिखते हैं, तो इसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे। पहला उसने बोला कि वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 76 मार्क्स डजेंट लिव इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम्प्टी फ्लैट, ओके, उसने ये बोला कि वो स्टूडेंट जिसके 76 मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली लेफ्ट में नहीं है किससे, एम्प्टी फ्लैट से, ओके, ठीक है। उसके बाद जेड लिव्स ऑन फ्लैट नंबर 1 ऑफ फ्लोर नंबर 2, ओके, जेड कहां पर रहता है, फ्लैट 1 में, फ्लोर 3 पे, मतलब होगा जेड यहां पर, ठीक है। उसके बाद वन हु लाइक्स रेड कलर लिव्स समवेयर इन अ फ्लैट विच इज अबव जेड्स फ्लैट, ओके, और उसने कहा कि वो पर्सन जिसको रेड कलर पसंद है, ठीक है, वो कहां पर है, जेड के ऊपर है, मतलब क्या वो या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा रेड कलर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वन पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड कलर एंड वी हु हैज गॉट 96 मार्क्स, ओके, और उसने बोला कि एक पर्सन है किसके बीच में, रेड
और वी के बीच में, जिसके मार्क्स कितने हैं 96 है, इनके बीच में एक कोई पर्सन रहता है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है, ठीक है। अच्छा, पी लाइक्स ग्रीन कलर, हु लिव्स जस्ट बिलो वीज फ्लैट। ओके, पी को ग्रीन कलर पसंद है, पी को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, जो कहाँ पर रहता है, जस्ट बिलो वीज फ्लैट। ओके, वो वी के जस्ट बिलो रहता है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन विच पी लिव्स इज एम्प्टी। ओके, और उसने बोला कि एक फ्लैट जिसमें पी रहता है वो क्या है, एम्प्टी है, बट दैट इज़ नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ओके, और उसने कहा कि पी जिस फ्लोर पर रहता है, ठीक है, उसमें एक आपके पास क्या एम्प्टी है, ठीक है, एक फ्लैट क्या एम्प्टी है, लेकिन वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द वन हु गॉट 82 मार्क्स लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ वन हु गॉट 90 मार्क्स। ओके, और उसने कहा कि वो स्टूडेंट जिसके 82 मार्क्स आए हैं वो उस फ्लोर पर है जो कि 90 मार्क्स वाले से ऊपर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उसने फ्लोर की बात करी, फ्लैट की बात नहीं करी है। मतलब क्या, अगर आपका एक 90 वाला यहाँ पर हो सकता है, इन दैट केस 82 वाला इसके ऊपर वाले फ्लोर पर कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो इसी फ्लैट में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे अबव वाले फ्लोर्स पर होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला द वन हु लाइक्स वायलेट कलर लिव्स ऑन फ्लैट सेकेंड टू द राइट ऑफ सेट। अच्छा, वो स्टूडेंट जिसको वॉयलेट कलर पसंद है वो कहाँ पर, सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। मतलब क्या, ये वॉयलेट होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन डब्लू हु गॉट 72 मार्क्स एंड द वन हु गॉट 85 मार्क्स। ओके, और उसने बोला कि दो फ्लोर्स हैं किसके बीच में, डब्लू, ठीक है, जिसके 72 मार्क्स है, और उस स्टूडेंट के जिसके 85 मार्क्स आए, ठीक है। इसके बाद W lives above the one who got 85 मार्क्स। ओके, और W कहाँ रहता है, वो अबव रहता है, मतलब ये इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद W does not like red color। ओके, और W को रेड कलर नहीं पसंद है, ठीक है। Y likes purple color and lives immediate right of the one who got 85 मार्क्स। ओके, और Y को पर्पल कलर पसंद है, वाई को पर्पल पसंद है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, लिफ्ट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु गॉट 85 मार्क्स। ओके, और वो 85 मार्क्स के मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर बना चाहूँ तो इधर बना सकता हूँ ना, पर्पल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद एम एंड वाई लिव ऑन सेम फ्लोर। ओके, और एम और वाई सेम फ्लोर पर रहते हैं, एम और वाई सेम फ्लोर पर है, ठीक है। एम लाइक्स पिंक कलर, एम को पिंक कलर पसंद है, ठीक है, एंड हैज गॉट 9 मार्क्स मोर देन यू। ओके, और एम के मार्क्स 9 ज्यादा हैं यू से, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया। फिर देयर आर टू फ्लैट्स बिटवीन एम एंड एन एम्प्टी फ्लैट। ओके, और दो फ्लैट्स है किसके बीच में, एम और एम्प्टी फ्लैट के बीच में, ठीक है। इसके बाद यू एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर लिव ऑन द सेम फ्लोर विच इज ईदर फ्लोर नंबर 1 or 2। ओके, और उसने कहा कि यू और ऑरेंज ठीक है सेम फ्लोर पर है, और ये फ्लोर नंबर या तो 1 हो सकता है या फिर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद वन फ्लैट इज एम्प्टी ऑन दैट फ्लोर। अच्छा, और इसमें एक फ्लैट क्या है, वो एम्प्टी भी है, ठीक है। उसके बाद देयर इज वन एम्प्टी फ्लैट बिटवीन द वन हु गॉट 61 मार्क्स एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। अच्छा, और उसने कहा कि देयर इज वन एम्प्टी फ्लैट, और एक फ्लैट है किसके बीच में, 61 मार्क्स, और उसके बीच में जिसको येलो पसंद है। ओके, और उसके बाद द वन हु गॉट 61 मार्क्स इज अबव द वन हु लाइक्स येलो, मतलब ये इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद द वन हु हैज गॉट 55 मार्क्स लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। अच्छा, और उसने क्या बोला, द वन जिसके मार्क्स कितने हैं, 55 आए, वो कहाँ रहता है, लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। ओके,
सो 55 वाला फ्लोर नंबर वन पर है, ठीक है। उसके बाद यू हैज़ गॉट 25 मार्क्स लेस देन एस हु डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर। ओके, और उसने बोला कि यू के मार्क्स 25 लेस हैं किससे, एस से, और एस आपका टॉप पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्स लिव ऑन वन ऑफ द फ्लैट ऑन द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स। ओके, और एक्स कहाँ पर है, एक उस फ्लैट में है जो कि किस फ्लोर पर है, जिसमें वी रहता है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स ग्रे कलर लिव्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। ओके, ग्रे कलर इमीडिएट राइट ऑफ एक्स है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स वाइट कलर लिव्स जस्ट अबव द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ओके, वाइट कलर जस्ट अबव है ब्लू से, ठीक है। द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू कलर सच दैट नो वन लिव्स बिटवीन देम। ओके, और उसने बोला कि ब्राउन कहाँ पर रहता है, लिव्स जस्ट बिलो ब्लू। ओके, ब्राउन ब्लू के जस्ट नीचे है, ओके, और इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, टी एंड यू लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। ओके, और टी और यू सेम फ्लोर पर है, ठीक है। टी हैज गॉट 15 मार्क्स मोर देन पी। ओके, टी के मार्क्स 15 ज्यादा हैं किससे, पी से। उसके बाद आर लिव्स ऑन अ फ्लोर ऑन विच वन फ्लैट इज एम्प्टी। ओके, और उसने बोला कि आर कहाँ पर रहता है, उस फ्लोर पर रहता है जहाँ पर एक फ्लैट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑन सेम फ्लोर एज द वन लाइकिंग ब्लू हैज़ गॉट हाफ एज मैनी मार्क्स देन वी। ओके, और उसने बोला कि एक स्टूडेंट जो कि सेम फ्लोर पर रहता है जहाँ पर ब्लू है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने हैं, वी से हाफ आए, मतलब क्या, वी से हाफ मार्क्स आए होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब इन कंडीशंस को किस तरीके से हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे उसको देखते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेड की, तो हम एक चीज़ जानते हैं, रेड आपका यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। इन केस अगर रेड आपका यहाँ आता है, ठीक है, तब देखिए मैं वी को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, हम जानते हैं रेड और वी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, तो हो सकता है वी यहाँ पर हो। इन दैट केस इसके मार्क्स कितने हैं, 96 हैं, और वी कहाँ पर है, जस्ट अबव पी से, मतलब पी आएगा यहाँ पर, ग्रीन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा ना। और उसके बाद हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जिस फ्लोर पर पी रहता है वहाँ पर एक एम्प्टी है, मतलब क्या, या तो ये एम्प्टी होगा या फिर ये एम्प्टी होगा, ये हमें कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने हमसे क्या बोला था कि आपका जो एक्स है और वी है वो सेम फ्लोर पर है, और एक्स के इमीडिएट राइट में क्या है आपका, ग्रे कलर है, मतलब क्या, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्स यहाँ पर होगा और ग्रे यहाँ पर होगा, यही चीज़ हो सकती है ना, पॉसिबल, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने हमें एक चीज़ बोली थी क्या, कि यू और ऑरेंज ये दोनों कहाँ पर हैं, सेम फ्लोर पर हैं, या तो फर्स्ट फ्लोर पर हैं या फिर सेकंड फ्लोर पर हैं, और ये जिस फ्लोर पर है वहाँ पर एक एम्प्टी है, ठीक है। तो यू और ऑरेंज आपका देखिए यहाँ पर तो हो नहीं सकता है सेकेंड फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्प्टी हो नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस फर्स्ट फ्लोर पर इनको पुट करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ तो पी ग्रीन तो ऑलरेडी है ना, अगर मैं यहाँ पर यू ऑरेंज या फिर यू ऑरेंज पुट करता हूँ, इन दैट केस कोई तो यहाँ पर एम्प्टी हो ही नहीं पाएगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी आपके पास मतलब क्या, ये वाली कंडीशन जिसमें एम्प्टी हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से आपका रेड अगर यहाँ पर है तो वी आपका यहाँ नहीं आ सकता। अगर इन केस मान लेते हैं रेड आपका यहाँ पर था और वी आपका यहाँ पर था, तब भी तो देखिए रेड और वी के बीच में क्या, एक पर्सन होगा ना, ठीक है। इन दैट केस अगर मैं देखूँ, अगर मैं वी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसके नीचे मैं पी और ग्रीन को पुट नहीं कर पाऊंगा ना, तो इस वजह से वी आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो हमारे लिए सिर्फ एक कंडीशन बची रेड के लिए, कौन सी, यहाँ पर पुट करने के लिए। तो देखिए ओके, सो अब मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, रेड है, ठीक है। इन दैट केस ये हो जाएगा वी, इसके मार्क्स है 96, ठीक है, ये जस्ट अबव किसके है, पी के, इसको ग्रीन कलर पसंद है। थोड़ा सा कंडीशंस को साथ साथ आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है, तो हो सकता है कि हॉच पॉच हो जाए,
ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि पी जिस फ्लोर पर है उसमें एक एम्प्टी है लेकिन इसके जस्ट लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये आपके पास एम्प्टी होगा, ये चीज़ हमें क्या है कन्फर्म है, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अब आप इसको कहाँ पर पुट कर पाएंगे इस कंडीशन को, देखिए डब्ल्यू आपका रेड हो नहीं सकता है इजंट इट, तो देखिए एक चीज़ तो डब्ल्यू आपका यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि हम जानते हैं क्या 87 के जस्ट राइट में वाई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डब्ल्यू आपका यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू आपका यहाँ नहीं आ सकता और कहीं आ नहीं सकता है, तो फिर डब्ल्यू के लिए सिर्फ आपके पास सेकेंडरी फ्लैट्स बचे, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, इन दैट केस एक दो छोड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगा 85, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा वाई पर्पल, ठीक है, और वाई और एम दोनों साथ में, ठीक है, तो आपके पास एम या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ होगा, लेकिन उसने क्या बोला हमसे कि एम और एम टी के बीच में क्या है दो फ्लोर्स हैं, तो अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है क्या एम, इन दैट केस ये आपके पास एम टी हो नहीं सकता है, अगर एम लिखा हुआ है यहाँ इन दैट केस आपके पास ये एम टी हो नहीं सकता है, मतलब क्या आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो गलत है, मतलब आपका डब्ल्यू यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो डब्ल्यू के लिए सिर्फ एक पोजिशन बची, ये यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, देखिए ओके अगर डब्ल्यू आपका यहाँ पर है मार्क्स कितने 72, ठीक है, इन दैट केस आपके पास 85 होगा यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके इमीडिएट राइट में वाई होगा यहाँ, और इसको कलर कौन सा पसंद है पर्पल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ एम को तो देखिए एम यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके दो अबव यहाँ पर आपके पास क्या नहीं हो पाएगा एम टी नहीं हो पाएगा, तो एम के लिए सिर्फ एक पोजिशन बची, एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ तो एम को पिंक कलर पसंद है, ओके, और इसके दो ऊपर क्या एम टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं अगर यू और ऑरेंज को पुट करना चाहता हूँ तो इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, हम जानते हैं ये कहाँ पर था, या तो फर्स्ट पर या फिर सेकंड पर, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट पर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ये कहाँ होगा आपका सेकंड पर ही होगा, और अगर सेकंड पर होगा तो देखिए यहाँ पर आपको एक एम्प्टी करना है, ये तो आपके पास एम्प्टी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर तो या तो यू या फिर ऑरेंज का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं देखूँ आपके पास थर्ड फ्लैट में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास देखिए ना ही ये आपके पास एम्प्टी है, ना ही ये एम्प्टी है, ना ही ये एम्प्टी है, ना ही ये एम्प्टी है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपके पास इन तीनों में एक ना एक फ्लैट तो एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या होगा एम्प्टी होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। अगर आपका ये एम्प्टी होगा तो आपका यू और ऑरेंज यहीं पर आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे सेकेंड फ्लैट में, तो सेकेंड फ्लैट में आपके पास एम्प्टी कौन सा हो सकता है, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपका एक्स और वी ये दोनों सेम फ्लोर पर है, ठीक है, और एक्स के इमीडिएट राइट में आपका ग्रे है, ठीक है ना। अगर आपका इन केस एक्स यहाँ पर आता है तब ये ग्रे हो जाएगा, इन केस अगर आपका एक्स यहाँ पर आता है तब ये ग्रे हो पाएगा, मतलब क्या फिफ्थ फ्लोर पर अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपके पास एम्प्टी नहीं हो सकता ना, इसका मतलब क्या है अगर मैं सेकेंड फ्लैट में बात करता हूँ तो ये आपके पास एम्प्टी हो नहीं पाएगा, ये एम्प्टी नहीं हो पाएगा, ये आपके पास एम्प्टी नहीं हो पाएगा, तो आपके पास एम्प्टी कौन सा बचा, यही तो आपके पास एम्प्टी हो पाएगा ना। अब अगर मैं इन तीनों को पुट करना चाहूँ, देखिए वाइट ब्लू और ब्राउन, तो इसको मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, एक चीज़ हमें कन्फर्म है क्या कि ब्लू के इमिडिएटली ऊपर आपके पास क्या है वाइट है, ठीक है, और ब्लू और ब्राउन के बीच में इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, एम्प्टी हो सकता है लेकिन कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ वाइट और ब्लू को मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर तो पुट नहीं कर पाऊँगा थर्ड में, ठीक है, थर्ड फ्लैट में नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट फ्लैट में, तो फर्स्ट फ्लैट में भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इन केस अगर मैं यहाँ पर पुट करता भी हूँ तो आप ब्राउन को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक जगह बची सेकेंड फ्लैट, और सेकेंड फ्लैट में भी अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर पुट कर पाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पुट कर पाऊँगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा वाइट, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा ब्लू, ठीक है, और फिर अगर मैं ब्राउन की बात करता हूँ तो ब्राउन हो जाएगा आपके पास ये, और अगर ब्राउन ये है और हम जानते हैं क्या कि आपके पास इसको आपको यहाँ पर पुट करना था, ठीक है। अब देखिए यू और टी ये दोनों एक फ्लोर पर है ना, इसका मतलब क्या है कि ऑरेंज क्या होगा टी होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है कि टी आपका आएगा यहाँ पर, ऑरेंज आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यू आएगा आपका यहाँ पर, फाइन। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला था कि ब्लू
और वो पर्सन जिसके मार्क्स वी से हाफ आए हैं वो सेम फ्लोर पर है, ठीक है। वी के मार्क्स कितने हैं? 96 हैं, ठीक है। तो ब्लू अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास 48 मार्क्स इसी के तो आ सकते हैं ना, ये तो आपके पास ऑलरेडी एम्प्टी है। फिर अगर मैं एक्स और ग्रे की बात करूँ, हम जानते हैं एक्स आपके पास वी के फ्लोर पर है, तो एक्स कहाँ आ सकता है? एक्स सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, एक्स होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ग्रे। अब मैं अगर बात करूँ, उसने क्या बोला था कि आर जिस फ्लोर पर है वहाँ पर एक एम्प्टी है, तो देखिए आर आपका यहाँ तो आ नहीं सकता है, ठीक है, आर आपका यहाँ नहीं आ सकता, आर आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो आर कहाँ पर आएगा? सिर्फ यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ एस की, तो एस देखिए आपका टॉप पर नहीं है, ठीक है, तो एस कहाँ पर हो सकता है? आपके पास एक ये जगह बची है और एक ये जगह बची है, एस आपका यहीं पर तो आ सकता है ना, ठीक है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो एस के मार्क्स कितने, 85 हैं, और उसने हमसे क्या बोला था कि एस और यू के बीच में डिफरेंस कितना है, 25 का है, इसका मतलब यू के मार्क्स कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है, इसके मार्क्स कितने हैं, 60 है। और अगर यू के मार्क्स 60 हैं, इन दैट केस यहाँ से मैं देखूँ तो एम के मार्क्स कितने होंगे आपके पास, 69 होंगे। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उसने क्या बोला था कि टी माइनस पी कितना है, 15 है, पी हम जानते हैं कितना हो गया, 48 हो गया, इन दैट केस टी कितना होगा आपके पास, 63 होगा, तो इसको हम 63 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि 55 आपका फ्लोर नंबर वन पर है, तो 55 आपका कहाँ आ सकता है, सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना। अब मैं अगर येलो और 61 की बात करूँ तो ये आपका कहाँ आ सकता है, देखिए आपके पास जो कलर है वो यहाँ पर एक मिसिंग है और एक कलर आपके पास यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ इसको, तो 61 को मैं पुट नहीं कर पाऊँगा, इसका एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पर आपका येलो आएगा और ये अगर ये येलो है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 61 हो जाएगा मार्क्स, फाइन। अब आपके पास एक कलर रह गया है और वो कलर कौन सा है, ब्लैक, तो ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर, और पर्सन में क्यू रह गया है तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो उसने कहा था कि जिस पर्सन के 82 मार्क्स आए हैं वो 90 वाले से अबव फ्लोर पर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ आपके पास मार्क्स यहाँ पर रह गए और मार्क्स आपके पास यहाँ पर रह गए, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है आपके पास 82 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। अब आपका 90 या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या कि वो स्टूडेंट जिसके 76 मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो एम्प्टी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। अगर वो एम्प्टी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब 76 आपका यहाँ तो आएगा नहीं, तो 76 का आएगा यहाँ पर। अगर 76 यहाँ पर है तो आपके पास बचा क्या, 90 को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देख लीजिए अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था इसमें कई सारी कंडीशंस हैं, तो इसको आप प्रॉपरली एक बार बनाइएगा, ट्राई करिएगा, देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।